गोलियों से गूंज उठा झज्जर। झज्जर में दिन दहाड़े हुआ गैंग वॉर, करीब 20 राउंड हुई फायरिंग। झज्जर के कस्बा बेरी बुधवार को दनादन चली गोलियों से दहल उठा, जहां एक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने दूसरे कार में बैठे व्यक्ति पर गोलियों की बौछार कर दी। अब हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें ये आपको साफ दिख रहा होगा कि एक नीले रंग की बलेनो कार खड़ी है, पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी आती है और बलेनो के आगे रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक के बाद एक तीन लोग निकलते हैं। तीनों लोगों को बाहर निकलते देखते ही बलेनो सवार अपनी गाड़ी को बैक गियर में पीछे की ओर भगाता है। इतने में ही वो तीनों बदमाश दनदनाते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। करीब 20 राउंड तक ये तीनों बदमाश उस कार सवार पर फायरिंग करते हैं। सफेद कार में बैठा शख्स अपनी गाड़ी घुमाता है और उसी गली में ले जाता है जिस गली में फायरिंग चल रही होती है। बलेनो कार में तीन युवक सवार थे। ये तीनों युवक अदालत में पेशी के लिए आए थे। पेशी के बाद ये तीनों युवक वापस अपने घर जा रहे थे। जब ये लोग बेरी के दुजाना चौक के पास पहुंचे तो उसी दौरान उन पर हमला हो गया। इस हमले में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रोहतक के PGI में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस सूचना के बाद SP डॉक्टर अर्पित जैन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि दोनों में पुरानी रंजिश थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैं खुद मौके पर पहुंचा हूं और हमारी टीम इसमें लगी हुई है, और जो भी है शीघ्र आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो आइडेंटिफाइड हो गए हैं और हमारी टीमें भी लगी हुई हैं, SDF भी लगी हुई, तो शीघ्र इसको। कैजुअलिटी कितनी है, घायल कितने सर? इसमें दो घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हुई है, जो अभी तक बात सामने आई है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। किस गैंग से थे सर ये जो अभी तक बचा? अभी देखिए वो क्लियर नहीं हो पाया है, पर जो इस गाड़ी में थे उन पर पुराने भी मुकदमे हैं और वो आज भी कोर्ट से वापस आ रहे थे, तो ये पुरानी इनकी जो है रंजिश दुश्मनी थी, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण इसमें सामने आया है। और मैंने फिर बताया कि इसमें लोग आइडेंटिफाइड हो गए हैं, तो शीघ्र उनको अरेस्ट किया गया। कितने राउंड फायर हुए सर? ये लगभग 20 के आसपास जो है राउंड फायर हुए हैं, तो वो भी अभी हम सारा जांच कर रहे हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में? जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल में है, और पुलिस हमारी CIS भी लगी है, हमारे DSP साहब और SHO सभी लोग अलर्ट मोड पर लगे हुए हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनको अरेस्ट किया जाएगा। वही घटना की सूचना मिलते ही बेरी के DSP प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकेबंदी कराई, लेकिन हमलावर पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।